टू सब्सिट्यूट कर दें। तो भाई वाई की जगह पे जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर वाई आ रहा है वहाँ वहाँ वन बाई टू सब्सिट्यूट कर दें। तो फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ वन बाई टू जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ वहाँ वन बाई टू सब्सिट्यूट कर दें। तो फाइनली आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कॉरस्पॉन्डिंग वन बाई टू मीन का कंडीशन निकल कर आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये हुआ आपका आज का लेक्चर ख़त्म, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। दिखने में शायद थकावट लग रही है आपको और बहुत लॉन्ग लॉन्ग मेथड लग रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला वही है कंडीशनल का, वही इंटीग्रेशन है, वही सब कुछ है। लेकिन बस एक बार अगर फॉर्मूला याद कर लेंगे तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। ठीक है, सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए, बाकी इंटीग्रेशन का वही बार बार वही प्रोसीजर है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो बस फार्मूले याद करने की जहमत करनी पड़ेगी आपको, बाकी तो सारा काम आपने क्या करना है, आसान है, आपने वही इंटीग्रेशन अप्लाई करते जाना है। अच्छा ये देखें स्टूडेंट, ये तीन चीज़ें तीन चीज़ जो है वो मैंने डिस्क्रीट की अटैच की हुई है। ये एक्चुअली मैंने यहाँ इसलिए अटैच कर दी है कि आपके पास मैंने प्रेजेंटेशन जो भी प्रेजेंटेशन कौन सी प्रेजेंटेशन नंबर थी जहाँ पे मैंने ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, डिस्क्रीट का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लेक्चर में पढ़ाया था, ये उसकी प्रेजेंटेशन है, वो मैंने यहाँ ऐड कर दी है, वो होनी उस वाली स्लाइड्स में चाहिए। तो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग कह रहे थे मिस इसकी कुछ एग्जांपल हो जाए तो कुछ समझ आए, इसकी वजह से मैंने इसकी एग्जांपल यहाँ पे डाल दी कि चले ज्वाइन का सिनेरियो चल रहा है तो आप ज्वाइन डिस्क्रीट पे भी पढ़ लें। ये पता नहीं कौन सा था, लेक्चर नंबर 4 था, पता नहीं 3 था, उसके अंदर आपने ये देखा था ज्वाइन 4 था फोर था। जी। हाँ फोर्थ, ठीक है। देखिए फोर्थ के अंदर आपके पास ना मैंने वहाँ पे ना ये पीपीटी ऐड नहीं की थी आप लोगों ने, कहा मैंने कहा था कि फिर मैं एग्जांपल दे दूंगी इसकी, लेकिन वो फिर आपको पता है बिजी है, फिर दिमाग से निकल जाता है। तो ये मैं जब बना रही थी आपका लेक्चर तो फिर मुझे याद आया कि डिस्क्रीट के लिए डिस्क्रीट से रेलिवेंट मैंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं दी है, फिर मैंने ये एक एग्जाम्पल वहाँ के लिए ऐड कर दिया। तो अगर आप चाहें तो ये जो आखिरी की तीन है ना, ये तीन जो एग्जाम्पल मैंने दी है वो वहाँ फोर्थ के अंदर ऐड कर दें। ठीक है, या तो मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ से निकाल के, यहाँ से इन तीनों को इसको यहाँ से कट कर देती हूँ मैं और फोर्थ में ऐड कर देती हूँ। फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ के अंदर है मेरे पास ये आ गया आपके पास फोर्थ। हाँ ये रहा फोर्थ। फोर्थ में देखें यहाँ पे भी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और वाई इन टर्म ऑफ टेबल लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने आपको शायद कोई भी एग्जांपल नहीं दी थी, तो इस वजह से फिर मैं क्या करती हूँ कि ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाली एग्जांपल मैं यहाँ डाल देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, आप एक आध एग्जांपल भी देख लें। ठीक है, अच्छा तो ये सारी आपकी एग्जांपल यहाँ की आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ मैंने आपको कोई एग्जांपल डिफाइन नहीं की थी मार्जिनल डिस्क्रीट पे। अच्छा, और बाकी जो मैंने चेंजेस की है, काम करती हूँ कि मैं अगेन आपके सीआर के ग्रुप के सेक्शन में डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। आज तक के तमाम लेक्चर जो है वो मैं सीआर वाले ग्रुप पे भेज रही हूँ। सीआर आपके ग्रुप पे ना आज तक के मैं तमाम लेक्चर्स भेज रही हूँ, ज़रा इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैंने 1 से लेके 8 तक के तमाम लेक्चर्स आपके सीआर ग्रुप पे भेज दिए हैं। स्टूडेंट ये बिल्कुल अपडेटेड लेक्चर हैं, आप लोग इनसे ले लीजिएगा। ठीक है, जो चेंजेस मैंने परफॉर्म की थी वो भी अप्लाई करके सेंड कर दिया। अच्छा भाई अरीशा मौजूद है यहाँ पे, अरीशा और हमज़ा, हमज़ा है नुमान है। यस मिस। अच्छा भाई जो भी है हमज़ा नुमान और मॉर्निंग इवनिंग के इतने सारे सियार हैं, मुझे किसी एक का नाम आज तक के याद नहीं हुआ। ठीक है, तो जो भी है भाई वो मुझे प्रेजेंटेशन स्लाइड सेंड कर दीजिए ताकि मैं उसके अंदर प्रेजेंटेशन टॉपिक लगा दूँ और फिर ताकि वो स्टूडेंट काम करना शुरू करें अपना। क्या प्रोग्रेस है प्रेजेंटेशन की ग्रुप्स की? मिस मैं आपको अभी क्लास एंड होने पे सेंड कर दूंगी। बेहतर है। और एक तुम कौन हो, मंडे मॉर्निंग हो इवनिंग हो? इवनिंग सेक्शन बी ठीक है, तुम मंडे इवनिंग हो, तो मंडे मॉर्निंग वाला जी। सी आर कहाँ है? मंडे मॉर्निंग का सी आर है यहाँ पर? पॉला, यस मिस मैं पॉला होंगी। पॉला कहाँ है बेटा? प्रेजेंटेशन स्लाइड मिस मैं क्लास के बाद सेंड कर दूंगी आपको। फौरन भेज दो, फौरन भेज दो, ताकि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास लूँ तो मैं उनको बताऊँ कि प्रेजेंटेशन में करना क्या है। फौरन जी मिस क्लास के बाद सेंड कर दूंगी आपको। भेज दें।
और बाकी मैंने सारी अपडेटेड स्लाइड्स आप लोगों को भेज दी है, आप लोग पुरानी वाली जो है ना वो वहाँ से प्लीज डिलीट कर दिया करें। आप दोनों सीआर से गुजारिश है जो नई स्लाइड अपलोड किया करें तो पुरानी वाली पोस्ट को डिलीट कर दिया करें, स्टूडेंट परेशान होते हैं कि कौन सी वाली ओरिजिनल है कौन सी वाली डुप्लीकेट है। ठीक है चलें स्टूडेंट, आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं और ये आज का लेक्चर जो है वो दोनों सीआर, आज के दोनों लेक्चर जो है वो मोहम्मद फिजान के पास थे। फिजान साहब से आप लोग, आप दोनों सीआर ने उनसे ले लेना है और उसे जाके अपने चैनल पे अपलोड कर देना। के मिसेस के हैं कौन से सेक्शन के? फिजान, फिजान कहाँ है? फिजान है सेक्शन बी मॉर्निंग, सेक्शन बी मॉर्निंग। कौन है सेक्शन बी मॉर्निंग का? ख्वाला है। ख्वाला आप ले लीजिएगा विटेन से। यस मिस। ठीक है ये आपके सेक्शन के, आप लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा, चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा लाजमी। ठीक है ओके सर, अल्लाह हाफिज़।